मेरी प्यारी YouTube फैमिली और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मॉम ब्लॉग्स में। और आज मैंने जो है अपने वीडियो में एक इजी मेकअप लुक क्रिएट किया है अपना, और ऐसे ही मैंने बस ट्राई किया कि मैं देखती हूँ मेकअप ट्राई करके, और मैंने अपने तरीके से अपना मेकअप किया है और वही वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सारे व्यूअर्स को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे न्यू आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और आप किस तरीके का वीडियो को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स देखिए मेरा ये मेकअप लुक का वीडियो, और कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैंने जो है वो फाउंडेशन अप्लाई किया अपने फेस पे, और आप जैसा कि देख सकते हैं, और फाउंडेशन भी मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, बस बहुत ही लाइट मेकअप भी करना है मुझे, ना कि बहुत हार्ड मेकअप करना है। सो मैं मतलब अच्छे से उंगलियों से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं किया ब्लेंड, और ऐसे ही मैंने हाथ से ही अपने अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे, नेक तक भी नहीं अप्लाई किया, ऊपर की तरफ पहले से लगा के और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ, और अपने उंगलियों की हेल्प से डैप डैप करते हुए फाउंडेशन अप्लाई कर लिया अपने फेस पे अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं ब्राइट मेकअप तो आप बहुत मतलब थोड़ा और भी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन। और अब मैंने कंसीलर यूज़ किया है, और जहाँ पे ब्लैक स्किन ज़्यादा होती है जैसे आँखों के नीचे, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से कंसीलर यूज़ कर लिया है और फिर पूरे फेस पे और इसको अप्लाई करके, और फिर मैंने फिंगर से ही इसको भी अपने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और बहुत ही लाइट हाथों से करना होता है ना ये। और मेरा जो है कंसीलर जो है यूज़ हो चुका है, और अब इसके बाद में आता है फेस पाउडर, तो मैं फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्राइट मेकअप नहीं किया है और लाइट ही मेकअप किया है, तो मैं जो ये है फेस पाउडर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है अपने फेस पे, बहुत हल्का सा ही अप्लाई किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मेरा जो है फेस पाउडर फेस पे अप्लाई हो गया है, और इसके बाद में मैं जो है आई शेडो अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, सॉरी आईज पे, और उसके लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया है, और ये ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ, और जो कि कलर मुझे चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती, बस लाइट ही रखूँगी आई शेडो। और ये मैंने आई शेडो जो है अप्लाई कर लिया है, और इसी तरीके से दूसरी भी आँख में अप्लाई कर लेती हूँ, और जो कलर एक तरफ है वही कलर दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लूँगी, वही सेड जो है आ जाए। और
जैसा कि मेकअप करने में बहुत सारे फॉल आउट होते हैं, वो तो सभी के साथ में होते हैं, होते ही हैं। कोई भी अगर मेकअप लुक करते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। और उसके बाद में मैंने इस पे से थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए जो था इसमें हाइलाइटर जो है ऊपर से एक साइड उसका यूज़ कर लिया था, तो कि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए जो आई शेडो है। और उसके बाद में आईलाइनर अप्लाई करूँगी। और आईलाइनर जो कि मतलब मुझे मैं करना है मतलब कि बहुत सबसे टफ लगता है आईलाइनर अप्लाई करना, और वो बहुत ही मैं लाइटली यूज़ कर रही हूँ और मुझे डर रहता है कि कहीं आईलाइनर में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और बहुत अच्छा मैं आईलाइनर लगा भी नहीं पाती हूँ। और बस जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ना कि मैं एक मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आईलाइनर भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दोनों इसमें जो है आईलाइनर भी अप्लाई कर लिया है। बहुत अच्छा नहीं आईलाइनर यूज़ कर पाई हूँ, बट हाँ किया है। और काजल के बिना तो आंखें जैसे कि सूनी लगती रहती हैं, तो उसके लिए मैं जो है काजल भी अप्लाई कर लेती हूँ। और काजल लगने से ऐसा लगता है ना कि जैसे आंखें जो है वो और भी सुंदर दिखने लगती हैं। और काजल जब तक ना लगे तब तक लगता है कि ना कि कुछ खाली सा है। और उसके बाद में ये मैंने ब्लशर थोड़ा सा उसके बहुत डार्क नहीं करूँगी मैं, बहुत लाइट पिंक ही करूँगी मैं। और इसी तरीके से दोनों तरफ जो है ब्लशर भी अप्लाई कर लिया है। और आप देख सकते हैं और ऐसे ही लाइटली उंगलियों से ही मैंने अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद में अब बारी आती है हाइलाइटर की। और अब मैं हाइलाइटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं ऐसे भी लाइट भी मेकअप करती हूँ ना कि कहीं जा रही हूँ तब भी थोड़ा सा मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। तो मैं इसके बाद में अब हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और उंगली से ही मुझे ज़्यादा सरल लगता है लगाना, ब्रश से इतना मुझे नहीं मतलब सही लगता है, बट उंगली से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है हाइलाइटर यूज़ करना। और इसके बाद में अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ और मेरा जो है मेकअप जो है वो हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो गया है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं यूज़ करी हैं, और बस मेरा मन था कि एक मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ तो ही मैंने। और अगर आप सभी को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगेगा तो और भी मेकअप लुक जो है मैं क्रिएट करूँगी। आप बताइएगा ज़रूर कि मेरा जो है ये मेकअप लुक कैसा लगा आप सभी को। और मुझे तो जैसा आता है मैंने वैसा ही किया। और जैसे कि एक कैमरे से वीडियो एक्ट वो बनाना और एक फ़ोन से, मैं तो फ़ोन से ही बनाती हूँ अपने जो है, तो इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती है ना कि जितनी अच्छी कैमरे में आती है। और फिर भी मैंने ट्राई किया और जैसे कि कैमरे से अच्छा ज़्यादा और भी अच्छा लुक आता है, तो मैंने जो है ये बस फ़ोन से ही अपने शूट किया है। और आप सभी को कैसा लगा मेरा ये फाइनली मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो मैं और भी वीडियोस इस तरीके के बनाऊंगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा फाइनल लुक है, आप सभी व्यूवर्स जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जो है मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और देखा आप सभी ने ये मेरा मेकअप लुक। और
सो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी को ये मेरा सिंपल सा मेकअप कैसा लगा। और मैंने बहुत कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इस मेकअप में, और आप बताइएगा तो मैं और भी मेकअप लुक करूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं मिलती हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।